आने निशा दुबे। अगर मेरे सफर की बात करूं कि मैंने कहां से स्टार्ट किया, कैसे कैसे आगे बढ़ी, कितने लोगों ने सपोर्ट किया, तो बहुत से लोग हैं जिसका बैक सपोर्ट मुझे मिला। सबने मिलके अपने आशीर्वाद और प्यार के साथ यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। शुरुआती सबसे पहले अगर कहा जाए तो मैं बचपन से ही इस लाइन में आना चाहती थी। गाने के डांस का बहुत बहुत बड़ा क्रेज़ था मुझे, मैं शुरू से करना चाहती थी। तो सबसे पहले मैं अपने स्कूल में करती थी, लाइक जैसे स्कूल में फेस्टिवल्स होते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, टीचर्स डे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस वक्त से मैं परफॉर्म करती थी अपने स्कूल में। इनफैक्ट मुझे अगर किसी टाइम परफॉर्म करने का मौका ना मिला या अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो ये हाल होता था कि मैं रोना चालू कर देती थी कि नहीं मुझे करना है, एनी हाउ करना है। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी कितने भी लोग वहाँ स्कूल में होते थे, सारे बच्चे का परफॉर्म करते थे, पर मेरा परफॉर्मेंस एकदम स्पेशल होता था। मेरे सर जो मेरे टीचर थे, सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वहाँ से मेरा ये स्टार्ट हुआ सफ़र की कैसे कैसे आगे चलना है, करना है। देन धीरे धीरे सारी चीज़ें आगे मिलती गई, सबका सपोर्ट मिलता गया, पब्लिक का प्यार मिलता गया और आज मैं जो हूँ, यहाँ हूँ, सब आप सबकी बदौलत है। बात करें अगर फैमिली सपोर्ट की तो मेरी छोटी सी फैमिली है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। तो स्टार्टिंग में पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में आऊँ। वो मुझे IPS बनाना चाहते थे और वो शुरू से यही ख्वाब देखते थे कि मैं एक IPS ऑफिसर बनूँ, खूब पढ़ूँ लिखूँ। पर मेरा दिल कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं, मैं हमेशा यही चाहती थी कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ, स्टेज पे परफॉर्म करूँ, कैमरे के सामने परफॉर्म करूँ, इसलिए मेरा ध्यान हमेशा इधर ही रहता था। ऐसे सिचुएशन में मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मी पापा से बहुत झगड़े भी होते थे, मेरी मम्मी कहती थी नहीं तुम करो, तुम आगे बढ़ो, जितना कर सकती हो करो, आई एम विथ यू। तो घर वाले से सिर्फ मम्मी से सपोर्ट मिला, पर अब यहाँ आने के बाद, आपके सपोर्ट से, मम्मी के सपोर्ट से यहाँ पहुँचने के बाद, अब पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं और सभी लोग विथ फैमिली सभी चाहते हैं कि अब मैं और आगे बढ़ूँ। पर उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी जनता है, जो हमेशा, मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहेगा। असाध लगे तुम और दुवरिया चुनरिया ओढ़ी के मैया। ये गाना मेरी एल्बम का सबसे पहला गाना था जिसे गाते हुए मैं इतना डर रही थी कि स्टूडियो के अंदर गाते गाते मैं रोने लगी। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं गा पाऊंगी। फाइनली कल्लू जी के पापा यानी कि चुनमुन भैया, वो मुझे स्टूडियो से बाहर लेके गए और मुझे समझाया कि ऐसा चलता रहता है, पहली बार सभी लोग होपलेस हो जाते हैं, बट इट्स ओके, तुम कर लोगी। बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया, बहुत समझाया एंड लगभग 8-10 रीटेक के बाद मैंने ये गाना कंप्लीट गाया स्टार्ट टू एंड। पर बनने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो कमी है, कुछ ऐसा है जो मैंने मिसिंग किया है। बट ठीक है, पहला गाना है तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो ये मेरी लाइफ का जो मैंने स्टूडियो में चढ़ के गाया, ये मेरा पहला गाना था। बात करें फिल्मों में मेरी शुरुआत की तो मेरी सबसे पहली फिल्म थी तू ही मोर बालमा, जिसमें कि मैंने एक गाना किया था, कुछ 3-4 सीन रहे होंगे। उसके बाद कलुआ भैलसयान, बताशा चाचा, हमार भैया दयावान, धड़केला तोहरे नामे करे जोआ, दिल भयल दीवाना, दीवानगी हद से, और अभी जो सबसे रिसेंटली रिलीज हुई है कुछ दिन पहले, वो थी दिलदार सजना। जहाँ तक मुझे पता है कि फिल्म बहुत अच्छी भी चली, आप सभी लोगों का बहुत भर भर के प्यार मिला है। आगे भी और भी बहुत सी फिल्में लाइन में है, उम्मीद करूँगी कि उसमें भी आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। तो फिल्में काफ़ी आती है और जाती है, लेकिन
जो सबसे अहम किरदार होता है, जिसे लोग सराहते हैं, जिसे लोग प्यार करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन से कलाकार को पब्लिक का प्यार सबसे ज़्यादा मिला। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबके बीच आई हूँ इस शो के ज़रिए कि आप सबसे बातचीत चलती रहे, आप सबके बीच रहूं और आप सबका प्यार मुझे खूब 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 सारा मिलता रहे। इंस्पायर, मैं किससे इंस्पायर हुई? एक्चुअली बचपन से कभी ये सोचा नहीं कि मैं किसको देख के फॉलो करूं, बस यही सोचा कि मुझे अपने हिसाब से करना है, मैं ऐसा कुछ करूं कि लोग मुझे फॉलो करें, मैं किसी को फॉलो ना करूं। हमेशा अपने हिसाब से किया, जो भी गाने गाए या जो भी एक्टिंग की, सब अपने हिसाब से ही किया। लेकिन कुछ समय बाद जब प्रियंका चोपड़ा की एंट्री बॉलीवुड में हुई तो मैं उन्हें देख के बहुत इंस्पायर हुई। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इनकी तरह बनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बिकॉज मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है और अब तो वो गाने भी गाती हैं, आपको भी पता होगा। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, उनकी सारी फिल्में, जितनी भी फिल्में आती हैं मैं सारी फिल्में देखती हूँ, उनकी एक्टिंग को देखती हूँ, सीखती हूँ कि वो कैसे करती हैं, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करती हैं। एंड आई लव प्रियंका चोपड़ा। और जहाँ तक मेरे एक्टिंग के सवाल है तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, एंड उम्मीद भी है कि सभी लोग अच्छा ही बोलते होंगे, मुँह पर तो कोई बोलता नहीं, पर यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबको अच्छा लगता होगा, क्योंकि अभी तक जो भी फिल्में मैंने की हैं, जितने भी एल्बम्स किए हैं, क्योंकि आप सभी दर्शक जानते हैं कि मैं एक्टिंग पहले नहीं थी, पहले एक्टिंग नहीं करती थी, पहले मैं सिंगिंग ही करती थी, स्टार्टिंग सिंगिंग किया, फिर बीच में एक्टिंग किया, देन फिर से एक्टिंग कर रही हूँ। तो जैसा कि फिल्मों से ज़्यादा मैंने एल्बम किए हैं और एल्बम आई थिंक 50+ मेरे एल्बम्स हैं विद कल्लू जी, उनके साथ ढेर सारे एल्बम किए हैं मैंने, और सारे एल्बमों को आप सबका प्यार मिला है। सारे गाने, जितने भी गाने मैंने किए, चाहे वो चोलिया का हुक हो या सकेत होता, एवरीथिंग जो भी गाने हैं सभी में आप सब ने मुझे प्यार दिया है, सराहा है, थैंक यू सो मच इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फेवरेट डायरेक्टर, काम तो मैंने बहुतों के साथ किया, लाइक अभी तक 6-7 फिल्में कर चुकी हूँ, तो 6-7 डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और सबके साथ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने तू ही मोर बालवा असलम शेख जी के साथ किया था, कलुआ भैल सियान उनके साथ किया था, धड़केला तोहरे नामे करजवा दिनेश यादव जी के साथ किया था, जो कि बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी वाले डायरेक्टर हैं हमारे, और दिल भैल दीवाना उनके अपने अरविंद चौबे जी के साथ किया था। बहुत लोगों के साथ फिल्में की है और सबके साथ के एक्सपीरियंस अच्छे हैं, लेकिन अगर स्पेशली बोलूँ कि किससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया, तो वो है हमारे माननीय दिनेश यादव जी। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे, अभी तक तो एक ही फिल्म करने का मौका मिला है और एक और फिल्म थी उनकी दीवानगी जिसमें मैंने एज अ गेस्ट अपीयरेंस एक गाना किया था, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का। और मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी मैं उनके साथ काम करूँ, उनके फिल्मों में करूँ, क्योंकि मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है, आगे बढ़ने का एक हौसला मिलता है उनसे। तो माय फेवरेट डायरेक्टर इज दिनेश यादव जी। गाने मेरे सारे अच्छे अच्छे हैं, जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे गाने मैंने अच्छे ही गाए हैं, पब्लिक को पसंद आए ऐसे ही गाए हैं। फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर में मैंने विनय विनायक जी के साथ काम किया था, जिन्होंने इतने सारे हिट्स दिए हैं एल्बम में, चाहे वो लॉलीपॉप हो या चुलिया का हुक हो, मुखिया जी मन होके तो बोली, सारे हिट्स हमारे विनय विनायक जी ने ही दिए हैं। तो उनके साथ एक एल्बम था हम लोगों का, उसमें एक गाना था जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे आप सब पब्लिक का, मैं वो गाना सुनाती हूँ। हिजन भर हियारी कारी दिया वाबुता दी हमरा लाज लगता। ये तो बात हुई एल्बम की, अब फिल्मों में आते हैं। फिल्मों में भी हमने सभी डायरेक्टर्स के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है और उनमें सबसे अच्छी बात करूँ कि जिनके साथ मैंने काम किया और अच्छा अच्छा गाने का मुझे मौका मिला, तो वो है हमारे अविनाश झा घुंघरू जी, मधुकर आनंद जी, शिशिर पांडे जी, सभी अच्छे हैं, किसी एक का नाम मैं क्या लूँ, सारे लोग अच्छे हैं, सबके साथ काम किया, बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा सभी के साथ।
राजनीति फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा है, रियल लाइफ में तो है ही, आप सब देख रहे हैं, सब आपस में लड़ते रहते हैं, किसी को मुस्लिम से प्रॉब्लम है, किसी को हिंदू से प्रॉब्लम है, सबकी अपनी अपनी चलती रहती है नैया। हाँ, बात अगर फिल्मों की करें तो इसमें भी बहुत पॉलिटिक्स है। आज फिल्में बन रही हैं, पता चला आज किसी और हीरोइन को साइन किया, कल जब शूट पे जाना है तो कोई और हीरोइन चली जाती है। रिप्लेसमेंट तो ऐसे होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो राजनीति हर जगह घुसी हुई है, सभी लोग राजनीति से परेशान हैं। और बात जब राजनीति की हुई है तो एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ के काम कर रही हूँ। मैं एक सिंगर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। कोई पार्टी हमारे लिए मायने नहीं रखता कि समाजवादी है, बीजेपी है या क्या है। आई डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज आई एम अ सिंगर। मुझे किसी भी पार्टी से बुलाया जाएगा, किसी भी शो के लिए इन्वाइट किया जाएगा, मैं जाऊँगी। पर फिलहाल अभी मैं काम कर रही हूँ, माननीय हमारे MLA हैं यहाँ के विधायक जी सुभाष पासी जी, उनके साथ जुड़ के काम कर रही हूँ, उनके शोज़ कर रही हूँ। एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी सैदपुर में गई थी शो के लिए। जो सैदपुर की जनता मुझे देख रही होगी उन्हें पता होगा, वहाँ बहुत सारे कलाकार आए थे। माननीय राजा मुराद जी आए थे, अल्ताफ रजा, टीना प्रवीण, मैं थी, दिनेश लाल यादव जी, अम्रपाली, विजय लाल, वर्षा तिवारी, बहुत सारे आर्टिस्ट थे वहाँ के मिट्टी के। और सभी लोगों के साथ प्रोग्राम करके एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो आई थिंक अभी तक मुझे नहीं मिला था। सबके साथ एक ग्रुप में जब जुड़ के हम काम करते हैं तो वो जो तजुर्बा होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे विधायक जी ने, सुभाष पासी जी ने मुझे ये मौका दिया। सो थैंक यू सो मच। किसी भी स्टार के लिए फ़ैन बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टार तब बनता है जब उसके फैंस होते हैं। आप हैं तो हम हैं, वरना हम कुछ नहीं। तो मैंने जितने भी शोज़ किए हैं, इनफैक्ट इंडिया का तो कोई कोना नहीं बचा जहाँ अभी तक मैंने परफॉर्म नहीं किया। UP हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, MP हो, कोई भी जगह, बहुत टाइम से शो कर रही हूँ और आप सबके बदौलत ही कर रही हूँ। आप हमें याद करते हैं तो हम आपके बीच आते हैं। तो फैंस बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे जैसे फैंस हम लोग को मिलते हैं, अच्छे से अच्छे फैन और पागल से पागल फैन भी मिलते हैं। एक बार की बात है, हम लोग शो के लिए कहीं गए हुए थे। वहाँ एक लड़का बहुत टाइम से स्टेज के नीचे से मुझे परेशान कर रहा था, मीन्स कि मैम प्लीज़ एक सेल्फ़ी दे दीजिए, मैम प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो मैं बहुत टाइम इग्नोर कर रही थी उसे कि चल ठीक है, प्रोग्राम ख़त्म होते होते वो चला जाएगा। सुबह के 4 बजे तक प्रोग्राम चलते हैं हमारे बिहार UP में, तो वो चला जाएगा। पर शो ख़त्म होने के बाद जब हम लोग ग्रीन रूम में गए चेंजिंग के बाद, वो लड़का ग्रीन रूम में आया एंड सडनली उसने ऐसे टी शर्ट निकाला और आके बोलता है मैम प्लीज़ मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। एंड आई वॉज शॉक कि कोई ऐसा भी फ़ैन हो सकता है और कोई इतनी भी पागलपंती कर सकता है। सो थैंक यू फैंस, आप सबके बदौलत, निशा दुबे जो कुछ भी है सब आपके बदौलत। अवार्ड्स की बात करूँ तो हर जगह जहाँ भी हम शो के लिए जाते हैं बहुत सम्मान मिलता है। सारे लोग कलाकारों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लाइक बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर, ऐसा अभी तक कुछ हो नहीं पाया क्योंकि अभी हम देखा जाए तो इंडस्ट्री में नए हैं। अभी सिंगिंग से स्टार्ट किया है, एक्टिंग की दुनिया में अभी कदम रखा है। हमसे बहुत से सीनियर लोग हैं यहाँ पे जो अभी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आई होप सो कि आगे हमें भी मौका मिलेगा करने का। बट ये जो आप सब देख रहे हैं, ये हमें स्टेज पे मिला हुआ सम्मान है। जब हम स्टेज करने के लिए कहीं जाते हैं तो एक शील्ड दे के हम लोग को सम्मान किया जाता है, पर वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े स्तर से अगर मुझे दिया जाए तो ही बहुत बड़ा सम्मान होगा। नहीं, अगर कोई हाथ उठा के 1 रुपये भी दे दे वो भी 1 लाख के बराबर होता है। तो ये सब आपका दिया है, सभी लोगों का प्यार है। देखिए, खाने के तो बहुत सारी आइटम्स होती हैं लेकिन इंडियन फूड की बात कुछ और होती है। और उसमें भी अगर सब्जी भिंडी की हो तो, बिकॉज आई लव भिंडी। इतने सारे फूड्स हैं लेकिन भिंडी की बात कुछ और है।
मैं भिंडी बहुत पसंद करती हूँ और आज ये अपने हाथों से बनी भिंडी मैं भी खाऊंगी और अपने क्रू मेंबर्स को भी खिलाऊंगी। अन्ना, बहुत से लोग होंगे जिन्हें भिंडी बहुत पसंद है और बहुत लोगों को नहीं पसंद है, पर मुझे सीरियसली आई लव भिंडी। तो जिसे जिसे भी भिंडी का मज़ा उठाना हो, अभी खासकर इस बारिश के मौसम में, तो घर पे मस्त भिंडी बनाइए, ये इसे मसाले डाल के और खूब दबा दबा के खाइए। लवली, ये आप लोगों के लिए भिंडी मसाला। और इसके अलावा मुझे खाने में नॉनवेज बहुत पसंद है, लाइक चिकन कीमा, चिकन बटर मसाला, सीख कबाब, चिकन कबाब, ओ माय गॉड, इट्स ऑल आर फैबुलस। आई लव ऑल चिकन एंड मटन आइटम्स। तो ये सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है। सचली सुरतिया जागे जागे रहतिया, चांद के अजोरिया में राम जी। बात करते हैं मोहब्बत पे। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे हर कोई महसूस करना चाहता है, जिसने किया वो भी, जिसने नहीं किया वो भी। अगर मोहब्बत की है तो ठीक है, अगर नहीं की तो कर लीजिए, क्योंकि ये एहसास बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसे हर इंसान महसूस करना चाहता है। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है, हर लड़की के लाइफ में कोई लड़का और हर लड़के के लाइफ में कोई लड़की ऐसी होती है जिसे हम अपना सुख अपना दुख शेयर कर सकते हैं। हम किस कंडीशन में हैं, हमारे साथ क्या मजबूरियां हैं, हम खुश हैं, नाराज़ हैं, हर एक चीज़ जिसके साथ हम शेयर कर सकते हैं उससे मोहब्बत कहते हैं। जो अपने से पहले आपके बारे में सोचता हो उसे मोहब्बत कहते हैं। मेरे लाइफ में भी कोई ऐसा है, समवन स्पेशल, पर अभी नहीं बताऊंगी, इसके अगले एपिसोड में, इसके बाद जब दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी तो बताऊंगी कि वो कौन है। तो आप सब भी एक बार मोहब्बत जरूर करिए, मोहब्बत सबसे प्यारा एहसास होता है। मेरी फिटनेस का राज है जिम, यानी वर्कआउट। आप सब भी यदि फिट रहना चाहते हैं, फैट से फिट होना चाहते हैं, तो जिम जाइए, पसीना बहाइए। आप जितना वर्कआउट करेंगे आपके शरीर पे वो उतना ज़्यादा असर करेगा, उतने फिट दिखेंगे आप। और साथ ही साथ फिट रहने के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है फिट रहने के लिए। तो मैं तो फिट रहने के लिए जिम जाती हूँ, तो आप भी अगर फिट रहना चाहते हैं तो हमेशा जिम जाइए। फुर्सत के पलों में मैं सबसे ज़्यादा अपने रियाज पे ध्यान देती हूँ, बिकॉज एक सिंगर के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है। तो मैं रियाज करती हूँ और जिम जाती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्में देखती हूँ। फिल्में देखने का दो नज़रिया होता है, एक तो एक कि हम इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, स्टार्ट टू एंड देख लिया, स्टोरी क्या थी, डेट फिनिश, हाँ हीरो ने मार दिया विलन को, सब ठीक हो गया। और दूसरा नज़रिया होता है फिल्में देखने का कि हम उसे देखते नहीं बल्कि सीखते हैं कि उसने एक्टिंग कैसे की, उसने डायलॉग डिलीवरी कैसे बोली, उसने डांस स्टेप कैसे किया। तो मैं ये दूसरे नज़रिए से फिल्मों को देखती हूँ और सीखती हूँ कि अगर आगे मुझे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने पड़े तो मैं उसको कैसे प्ले करूँगी, उससे कुछ सीखती हूँ। और साथ ही साथ जो कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, क्योंकि अपने इस बिजी शेड्यूल में, शूटिंग, स्टेज शोज, एल्बम रिकॉर्डिंग्स, इस बिजी शेड्यूल में अगर थोड़ा सा भी वक्त मुझे मिलता है तो मैं अपने घर पे जाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताती हूँ, अपने भाई बहनों के साथ खूब मस्ती करती हूँ। और जो भी नए चीज़ होते हैं, जैसे अगर मेरे भाई बहन कहीं घूमना चाहें, कहीं जाना चाहें, कोई नया गेम्स वो खेलना चाहें, तो मैं उनको इस चीज़ के लिए ज़्यादा फोर्स करती हूँ कि नहीं, नए नए चीज़ें होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत टाइम पास यही सबसे हो जाती है, और फैमिली से बढ़ के और तो कुछ है नहीं किसी के लाइफ में, इसलिए मैं अपना सबसे कीमती वक्त अपनी फैमिली को देती हूँ। अपने फैंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं,
इनकेस अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सिंगर एक्टर बनना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो खूब मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आप शिद्दत से इस चीज़ को चाहेंगे कि मुझे ये हासिल करना है, देन यू हैव टू डू। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको ये काम करने से रोक सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है वो है मेहनत, कॉन्सेंट्रेशन। तो आप भी खूब मेहनत करिए और लक्ष्य यूँ आपके सामने होगा, आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि खूब मेहनत करिए और अपने एम को पाइए।